शन करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो बहुत बहुत स्वागत है उन सभी बच्चों का जो इस वक्त सेशन के साथ जुड़ चुके हैं। राइट बच्चों, एक बार मैं क्विकली देख लेता हूं कौन कौन से बच्चे हमारे आ चुके हैं। विनीत, शांतनु, इसके अलावा श्रवण इज देयर, अमिक इज देयर, बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। बच्चों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए शुरू कर देते हैं सेशन को, और जितने बच्चे इस वक्त सेशन में है सेशन को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आज काफी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूं जो आपने पढ़ी तो जरूर होंगी, लेकिन कई बार होता है कि आप उतना क्लैरिटी के साथ उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो आज के इस सेशन में आप सब वो चीज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझने वाले हैं। प्रिंस बलवीर, करिश्मा, अलीना, गौरव, स्वागत है। आफ्ताब, वेलकम बच्चे। तो ऑल ऑफ यू आर देयर। शिखा इज देयर, फरहत इज देयर, सेंटिल इज देयर, बहुत ही बढ़िया बच्चों। अंकित ने ज्वाइन किया है, निकिता ने ज्वाइन कर लिया है, वीर प्रताप ने ज्वाइन किया है, बहुत बढ़िया बच्चों। कीर्ति ने ज्वाइन किया, कृति ने ज्वाइन किया, सना ने ज्वाइन किया, वेलकम बच्चों। चलिए शुरू कर देते हैं आज के अपने इस सेशन, प्लांट किंगडम लेक्चर 4, जैसा कि आप जानते हैं। अब लिवर वॉर्ट्स की जो बात आती है बच्चों, तो ये कुछ कुछ लिवर जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि इनका शेप कुछ कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि लिवर के आकार का डिजाइन है। अब लिवर तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा अलग ही दिखता है, कलर भी अलग दिखता है, बट नाम पड़ गया तो पड़ गया। जिसका जो नामकरण एक बार हो जाता है वही फिर चलता रहता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं सेशन को। नाउ फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, बच्चों माय नेम इज प्रदीप सिंह, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डॉट एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये सारी की सारी चीजें हैं सेकेंडरी, आप हैं प्राइमरी। तो सेशंस आपकी वजह से हैं। सेशंस को शेयर जरूर करा करिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल जाए। एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/unacademy चैट के थ्रू आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ऐप के साथ। एक बार टेलीग्राम ऐप के साथ जुड़ गए आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह दिखता है। तो सबसे पहले इंस्टॉल करें, देन गो टू द ब्राउजर tinyurl.com/unacademychat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। राइट, एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neetmobile, जैसे इसको टाइप करेंगे ब्राउजर में ये विंडो आ जाएगा और आप सारे के सारे लेक्चर्स एट ए प्लेस देख पाएंगे। बात करते हैं बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां मिलती हैं लाइव क्लासेस, वो भी आपके अपने पसंदीदा और कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। यू कैन इंटरेक्ट विद अस लाइव पोल लीडर बोर्ड की सहायता से, आप अपनी परफॉर्मेंस रियल टाइम बेसिस पर जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज एनालिसिस भी होती है और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, जहां पर आप अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आफ्टर एवरी 3 लेक्चर। तो देख लीजिए बच्चों, हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप इन बैचेस के साथ जुड़ जाइए। इस मंथ का कोर्स आज से शुरू हो रहा है, तो आप इन बैचेस के साथ क्विकली जुड़ जाइए। ऑल राइट बच्चों, करना क्या है, बड़ा सिंपल है। गो टू प्ले स्टोर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को वहीं से करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करके प्लस ऑप्शन सिलेक्ट करिए, नीट यूजी, गेट सब्सक्रिप्शन, और फिर ये विंडो आ जाएगा। यहां पर आपको अपने सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन को चूज करना है, जो कि ज्यादातर केसेस में आपने 12 मंथ और 24 मंथ ही चूज करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, जो बच्चे नीट 2020 में अपीयर करने जा रहे हैं उनके लिए हम क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं विद इन अ फ्यू डेज, तो आप 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपकी तैयारी पूरी की पूरी कंप्लीट कराने की हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से रिविजन के मोड पर। ऑल राइट, एंड यूज करिएगा कोड बच्चों प्रदीप लाइव। आप अगर मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो आई विल। एंड बच्चों, किसी भी प्रिपरेशन में बहुत जरूरी होता है कि आप एक्सपर्ट्स के द्वारा हैंड होल्डिंग आपको प्रोवाइड हो, तो इस कोड को यूज करके आप मेरे बैचेस के साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आप बाकी सारे एजुकेटर के बैचेस को भी व्यू कर पाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी, सारे के सारे आप कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ। ऑल राइट, चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं। मानसी, अनुष्का, करिश्मा, रोहित, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। प्रतीक, संतोष एंड ओके साइलेंट नेचर, काफी सारे बच्चे हैं इस वक्त। चलिए सेशन को शुरू कर देते हैं, और सेशन की शुरुआत हम करें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ना दिखाई दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो बहुत जरूरी है कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक मिनट देखने की कोशिश करते हैं जरा सा। ऑल राइट, ये देखिए आज का हमारा सेशन, जैसा कि आप जानते हैं, सेशन है ब्रायोफाइटिस में लिवर वॉर्ट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइटिस के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे हम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कहां पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। और उसके बाद ये देख लीजिए, टाइम लैप्स इमेज है,
एक घंटे या दो घंटे की इमेज नहीं है ये, ये कुछ वक्त लेकर के इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि एटलीस्ट 1 वीक का टाइम लगा है इस स्ट्रक्चर को इतना डेवलप होने में, देख लीजिए। तो टाइम लैप्स है ये, इसको स्लोली एक स्लो मूविंग कैमरा की मदद से देखा गया, यानी कि जो भी इमेज है उसको फिर कैमरा को क्विक रन किया जाता है। बट एक चीज तो है कि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी क्या क्या दिखा आपको, मैं यहां पर बताता हूं। बच्चे इसके ब्रांचिंग पैटर्न को जरा गौर से देखिए, जब ब्रांचिंग पैटर्न हो रही तो डाइकोटोमस, बीच में से डिवीजन हो रहा है हर बार, चाहे वो जितना स्प्रेड कर रहा है, ऐसे ग्रो कर रहा है फिर बीच में से डिवाइड, फिर ये जो दोनों लिम्ब है ये दोनों बीच में से डिवाइड कर रहे हैं, सो ऑल द लिम्ब्स आर एक्चुअली डिवाइडिंग फ्रॉम द सेंटर डाइकोटोमस ब्रांचिंग के साथ। ओम ने बहुत बड़ा गिफ्ट पैक भेज दिया, सना हैज सेंट स्माइली, ओके काफी बच्चे भेज रहे हैं हार्ट्स, करिश्मा इज सेंडिंग हार्ट्स। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग किस तरह से होती है। ये चीज यूजुअली आप पढ़ते जरूर है लेकिन समझ में नहीं आता, तो मैंने इस चीज को यहां पर इसलिए लगाया है ताकि आप रियल टाइम बेसिस में देख सके और समझ सके कि ये हो क्या रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये लिवर वॉल्स की ग्रोथ हो रही है, लग्जूरियंट ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये ग्रो कर रहा है वहां पर आप देखिए, वहां पर भी ग्रीनरी में तब्दील होता जा रहा है वो स्ट्रक्चर। तो वहां पर क्या ग्रो कर रहा है, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, यहां पर नीचे क्या ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना छोटा होता है, इसको काफी मैग्निफाइड करके दिखाया जा रहा है। इसके नीचे जो डार्क ग्रीन कलर की एक मैट आ रही है वो क्या चीज है। अमीशा थैंक यू फॉर द हार्ट, संजय, प्रियंका बहुत बढ़िया, रंजीता थैंक यू फॉर द हार्ट्स बच्चों, ऑल ऑफ यू। अब चलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अलका थैंक यू, अलबिन बहुत बढ़िया, काफी बच्चे हैं, अलीना थैंक्स 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 ऑल ऑफ यू बच्चों। समझ में आ रहा है, मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि आपको यहां पर चीजें समझ में आ रही। चलिए अब मेरे प्रश्न का आंसर दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर यानी कि जो लिवर वॉल्ट ग्रो कर रहा है वो तो आपको क्लैरिटी से दिखाई दे रहा है, लिवर वॉल्ट के नीचे, लिवर वॉल्ट के नीचे के एरिया में ये जो ग्रीनरी में तब्दील हो रहा है वो क्या स्ट्रक्चर है। यानी कि मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूं, ये जो एरिया है ये देख लीजिए, ये जो ड्रायर है ना, यहां पर कुछ नहीं था, ये देख लीजिए ग्रीन ग्रीन हो रहा है ना यहां पर, इसके साइड साइड में ये ग्रीन क्यों हो रहा है, इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है, हु इज टर्निंग इट इनटू ग्रीन। तो बच्चों ध्यान रखिए, जब लिवर वॉल्ट की ग्रोथ होगी इसका मतलब है कि मॉइस्चर अवेलेबल है उस जगह पर, और अगर मॉइस्चर अवेलेबल है, अगर मॉइस्चर अवेलेबल, एल्गे वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने आंसर दिया है। बच्चों थैलोफाइटिस आप पढ़ करके आए, हम थैलोफाइटिस को कैसे छोड़ दें, थैलोफाइटिस भी तो रहेंगे ना साथ साथ में, जैसे जैसे हम प्लांट किंगडम में हाईली इवॉल्व की तरफ बढ़ते चलेंगे, ये तो ठीक नहीं है कि हम पुराने जो इवॉल्व हुए उनकी इंपॉर्टेंस को भूल जाएं, उनको छोड़ दें, तो ये हो नहीं सकता, हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत जरूरी है इस चीज का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटिस। ब्रायोफाइटिस के बारे में आपने काफी चीजें पढ़ी, इनको एम्फीबियन कहा जाता है, एज इफ ये जमीन पर भी हो जाते हैं और उठा के पानी में फेंक दो पानी में भी ग्रो कर जाते हैं, ऐसा है क्या, नहीं है। ब्रायोफाइटिस को एम्फीबियन क्यों कहा जाता है वो भी आज हम चर्चा करेंगे इस सेशन के माध्यम से। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट है कहां पाए जाते हैं, सो दे आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडी डैम्प यानी कि सीलन वाली जगहों पर, और ह्यूमिड प्लेसेस, ह्यूमिड यानी कि जहां पर एयर में मॉइस्चर ज्यादा रहता है, ऐसी जगहों पर ये ग्रो करना पसंद करते हैं। मॉइस्ट होना चाहिए, शेडी छायादार इलाके, डैम्प एंड ह्यूमिड। अब ये जो है फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है जिन्होंने लैंड के ऊपर अपना बसेरा जमाया, डेरा जमाया, इनको एम्फीबियंस कहा जाता है क्योंकि इनको पानी की जरूरत होती है। ये बड़ा वेग सा एक डेफिनेशन है कि पानी की जरूरत होती है, पानी का क्या रोल है एम्फीबियन कहने के लिए। तो अब ध्यान से सुनिए बच्चे, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्यों इनको एम्फीबियन क्यों कहा जाता है। मैं बात करता हूं फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग या टोड या जो भी पानी में भी रह लेते हैं और लैंड में भी रह लेते हैं ऐसे जीवों के बारे में। तो एक तो हो गया फ्रॉग हो गया, एक हो गया टोड हो गया, अच्छा एक और बताता हूं मैं आपको, बर्ड, डक, बतख। बतख पानी में रहती है, पानी में तैरती है, क्या वो एम्फीबियन है? आप सारे कहेंगे नहीं वो एम्फीबियन नहीं है क्योंकि वो एक्वाटिक बर्ड है। इस तरह से मूर हेंस भी पाई जाती हैं, बहुत तरह की एक्वाटिक बर्ड्स हैं, सारस क्रेन की बात कर लीजिए या आप फ्लेमिंगो की बात कर लीजिए, ये सारी की सारी जो बर्ड्स हैं, जितनी भी बर्ड्स हैं ये सारी की सारी बर्ड्स वाटर एरिया में रहना पसंद करती हैं, लेकिन वो एम्फीबियन बिल्कुल नहीं है। उसका लॉजिक क्या है, वाई दे आर नॉट द एम्फीबियंस? तो ध्यान दीजिए बच्चों, उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की कोई आवश्यकता नहीं, वेयर एज ऑन द अदर हैंड फ्रॉग को
वाटर की जरूरत होती है। वो पानी के अंदर मेल एंड फीमेल विल रिलीज द गेमीट और उन गेमीट का फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन, इस वजह से उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। सेम गोज फॉर ब्रायोफाइटिस। ब्रायोफाइटिस ग्रो तो लैंड में करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ग्रो तो हाँ जी क्रोकोडाइल को भी देख लीजिए। तो एम्फीबियन किसको कह सकते हैं? एम्फीबियन उसको कहते हैं जो वाटर और लैंड दोनों जगह पर रहना पसंद करे। क्रोकोडाइल को अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स है। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट, क्योंकि यहां एनिमल किंगडम का डेफिनेशन डिस्कशन अभी नहीं चल रहा। तो ध्यान दीजिए बच्चे, ये जो है ग्रो तो करेंगे लैंड पर, लेकिन इनको रिप्रोडक्टिव सीजन के लिए, रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए वाटर की जरूरत होती है, क्योंकि उसी वाटर की प्रेजेंस में इनके गैमीट स्विम करेंगे और फ्यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? दिस इज व्हाई दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। नाउ बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते क्योंकि इनके ऊपर वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है, हाइट में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई को नहीं प्राप्त होते हैं। उसका रीजन है दे हैव नो वैस्कुलर टिश्यू। अब वैस्कुलर टिश्यू का क्या लेना देना? वैस्कुलर टिश्यू का यह है कि अगर बहुत ज्यादा हाइट किसी भी प्लांट की होनी है तो उसको वाटर तो ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, ऊपर के लेवल तक वाटर पहुंचाना पड़ेगा। इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू ना होने की वजह से यह दिक्कत है। डोमिनेंट फेज कौन सा है? गैमेटोफाइटिक फेज इज द डोमिनेंट फेज एंड स्पोरोफाइट इज बॉर्न ऑन द गैमेटोफाइट। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक में अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। व्हेन आई विल शो यू देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है। आगे बात करते हैं। चलिए ये तो रहे जनरल कैरेक्टरिस्टिक, अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइटिस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन बच्चों दोनों तरीके से होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। दोनों के दोनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एसेक्सुअल में क्या हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े हो गए बॉडी के, उससे ग्रो हो रहा है, जेमा का फॉर्मेशन होता है, रीजेनरेशन हो सकता है डैमेज्ड बॉडी पार्ट, एडवांटेजियस ब्रांचिंग निकल सकती है और प्रोटोनीमा के थ्रू हो सकता है। कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपने फ्रेगमेंटेशन के बारे में क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो जब मैं आगे बताऊंगा कि एक एक का किस तरह से फ्रैगमेंट होता है तो आप समझ जाएंगे। जेमा के बारे में आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ, जब जेमा का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा बताऊंगा वो कैसा स्ट्रक्चर है, एक तरह का रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल है, तो आप समझ जाएंगे। रीजेनरेशन, कहीं पर बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया, रीजेनरेट कर लेता है। एडवांटेजियस ब्रांचिंग, यानी कि उसमें ब्रांचिंग निकलती है, प्रॉपर स्टेम नहीं है, इस वजह से नॉर्मल ब्रांचेस हम नहीं कह सकते क्योंकि ब्रांचेस स्टेम का फीचर होता है, यहां पर स्टेम नहीं है, तो एडवांटेजियस ब्रांचेस विल बी देयर। Getting the point? And then protonema. Protonema mosses में पाया जाता है, liverwort में नहीं पाया जाता। तो जब दोनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आने वाली है बातें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। ये देखिए बच्चे, शायद कुछ आपको समझ में आए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस। आर्केगोनियम में फीमेल एग सेल स्टेशनरी है, वो कहीं नहीं जाता, वो एक जगह पर फिक्स रहता है। मेल गैमीट जो है वो रिलीज होता है और वो स्विम करके जाता है, जिसको एंथेरोजॉइड भी कहा जाता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? एक्सक्यूज मी, ऊगैमस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे एल्गे होते हैं उनमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों टाइप का पाया जाता है, लेकिन जो रेड एल्गे हैं रोडोफाइसी, वहां के बाद ऊगैमस ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। ऊगैमस का मतलब है वन ऑफ द गैमीट विल बी स्टेशनरी, वो एक जगह पर फिक्स रहेगा, कहीं आगे नहीं जाएगा, एंड दैट इज द फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट कहां पर होता है देख लीजिए, आर्केगोनियम। आर्केगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट है और एंथेरिडियम से रिलीज होता है मेल गैमीट का। समझ में आ रही बात? तो एंथेरिडियम एंड आर्केगोनियम, यहां पर इस वीडियो क्लिप में देख लीजिए थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत तो अननोटिस्ड नहीं जा सकता, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो मैंने इसको यहां पे इसलिए रखा कि लेट मी सी, ये देखिए आर्केगोनियम जो लिखा हुआ है ये आर्केगोनियम नहीं है, एंथेरिडियम है, क्योंकि ये एंथेरोजॉइड का रिलीज हो रहा है और आर्केगोनियम ये रहा। तो एंथेरिडियम एंड आर्केगोनियम। एंथेरिडियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव। एंथेरिडियम का माउथ देखिए ऊपर की तरफ है और आर्केगोनियम का माउथ नीचे की तरफ ओपन है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या स्ट्रक्चर है, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया। ध्यान दीजिए, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटस के बारे में, अभी हम किसी स्पेसिफिक के बारे में, लेकिन हालांकि यहां जो आपने देखा वो मर्केंशिया है, मर्केंशिया के बारे में आज के सेशन में ही हम अभी समझने वाले हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? ऊगैमस है। मेल एंड फीमेल
सेक्स ऑर्गन्स आर एंथरीडिया एंड आर्केगोनिया। ये देखिए एंथरीडिया मेल, ये देख लीजिए रिलीज हो रहा है गेमीट, ये जा रहा है वाटर की प्रेजेंस में, ये अंदर चला गया, वेंटर नेक कैनाल सेल्स को भेजते हुए चला जाता है। सेक्स ऑर्गन्स आर जैकेटेड एंड मल्टीलेयर्ड। आप खुद ही देखिए सेक्स ऑर्गन जो आपको दिख रहे हैं मल्टीलेयर्ड है, ये देखिए दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन दिख रहे हैं। तो ये पहला वाला जो है वो एंथरीडिया है, एंथेरोजॉइड रिलीज कर रहा है, और सेकेंड वन इज आर्केगोनियम। सारे के सारे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, बखूबी आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल भी देखा हमने, सेक्सुअल भी देखा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस एक बार समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस वंस इन कंप्लीट डिटेल, पूरा फुल टोटैलिटी में इसको समझने की कोशिश कर। तो देख लेते हैं क्या होता है। बच्चों देखिए गैमिटोफाइट, ये जनरल लाइफ साइकिल हो रही है। अभी आपको लिवर वॉर्ट के बारे में भी बताऊंगा, मॉसेस के बारे में बताऊंगा। गैमिटोफाइट की जो बात करते हैं, जो कि हैप्लॉइड होता है, स्पोर से ग्रो करता है। कहां से ग्रो करता है, ये देखिए स्पोर, स्पोर से ग्रो हुआ गैमिटोफाइट। इस एरो को फॉलो करिए, ये जो एरो जा रही है इस एरो को फॉलो करिए, यानी कि स्पोर से क्या बनता है, गैमिटोफाइट। क्यों स्पोर से गैमिटोफाइट बनेगा, क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पोर इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एन, यहां पर देख लीजिए प्लॉइडी लेवल स्पोर की एन है। तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से गैमिटोफाइट का प्रोडक्शन हो गया। जो गैमिटोफाइट बना उसके ऊपर एंथरीडियम और आर्केगोनियम दो स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, एंथरीडियम और आर्केगोनियम दो स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। अब वो देख लीजिए कौन कौन से स्ट्रक्चर है। तो आर्केगोनियम ये रहा, दिस इज आर्केगोनियम, और ये रहा एंथरीडियम। तो ये एंथरीडियम है, ये आर्केगोनियम है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। तो एंथरीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथरीडियम प्रोड्यूस करेगा बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स, राइट, एंथेरोजॉइड जिनको कहते हैं, एंथेरोजॉइड, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड इस स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होंगे, और दे विल रीच अप टू द आर्केगोनियम जो कि यहां पर है। ये देखिए आर्केगोनियम, ये आर्केगोनियम है। तो कहने का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर यहां से रिलीज करेगा मेल गैमीट जिनको हम एंथेरोजॉइड कहते हैं, और वो एंथेरोजॉइड वाटर में स्विम करते 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 आएंगे आर्केगोनियम के अंदर, और यहां पर हो जाएंगे फ्यूज एग सेल के साथ, ठीक है। तो वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कहां बनेगा, जाइगोट यहां बनेगा, इस जगह के अंदर जाइगोट का प्रोडक्शन हो जाएगा। सो जाइगोट कहां बन रहा है, ये देख लीजिए एरो को फॉलो करिए। तो दिस इज द जाइगोट। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने एंथरीडियम को इधर रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो कि एंथेरोजॉइड आकर के कहां स्विम करके पहुंचते हैं। तो देखिए बच्चे यहां से बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड एंथरीडियम से निकलेंगे, ये रहा एरिया, यहां से निकलेंगे बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड निकलेंगे, जा रहे हैं, जाते जाते ये कहां पर पहुंचेंगे ये समझना जरूरी। इधर आ रहे हैं, इधर आके 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 कहां गए, इसके पास गए, इसके अंदर गए, इस स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे एंथेरोजॉइड, इसके अंदर जाकर के जाइगोट बना देंगे। जाइगोट एक बार बन गया तो वहां से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, विच इज पैरासिटिक ऑन गैमिटोफाइट। अब उसमें कुछ सेल मियोसिस करेंगे और स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। क्लैरिटी आ गई। लेकिन आपको यहां जरूर लगा होगा कि मैंने एंथरीडियम उधर क्यों रखा, आर्केगोनियम उधर क्यों रखा। तो ये इसलिए रखा कि कहीं पर भी अगर आपको स्ट्रक्चर मिले आपको ढूंढने में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब हम चीजों को एक ही सीक्वेंस में रटते हैं, मैंने ओव्यूल में भी दिखाया था आपको, ध्यान दीजिएगा क्लास ट्वेल्थ में जिन बच्चों ने मेरे साथ ओव्यूल पढ़ा, ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखाया, उल्टा भी दिखाया, दोनों तरफ से दिखाना जरूरी है। आगे इस सीक्वेंस को दोबारा से समझाऊंगा और ज्यादा आपको डिटेल में समझ में आएगा। समझ में आ गई बात, लोकनाथ स्वाधीनता बाइफ्लैजिलेटेड, जी हाँ बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड, इस पॉइंट को दिमाग में बिठा लीजिए कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब देखते हैं ब्रायोफिटिस का जो नॉर्मल डिवीजन है। बच्चों देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है लिवर वॉर्ट और दूसरा होता है मॉसेस। लिवर वॉर्ट ये रहे और ये रहे हमारे मॉसेस। समझ में आ गई बात। तो लिवर वॉर्ट क्या होते हैं, सॉइल के बराबर बराबर, यानी कि जिस सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करते हैं उसी के पैरेलल स्प्रेड आउट करते हैं, यानी कि इरेक्ट ग्रोथ नहीं होती, ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं करते हैं, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, प्रोस्ट्रेट ब्रांचिंग होती है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये फिर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है ये क्या है। तो बच्चों ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर, ये एक अनोखा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अनोखा कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रक्चर है आर्केगोनियो 4, एंथरीडियो 4 और आर्केगोनियो 4, इस तरह के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं।
ये स्ट्रक्चर कहां कब डेवलप करते हैं, ये स्ट्रक्चर तभी डेवलप करते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि नॉर्मल प्लांट बॉडी ये नहीं है, ये जो ऊपर का पोर्शन ग्रो कर रहा है बच्चों ये नॉर्मल प्लांट बॉडी नहीं है, ये जब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ हैप्लॉइड गेमिटोफाइटिक के बाद डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन आई तो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। और ये जनरेशन क्यों बना, ये जनरेशन इसलिए बना ताकि ये स्पोर बना सके, इसका मतलब है इसके अंदर मियोसिस होने वाला है, इसके अंदर मियोसिस होने वाला है, मियोसिस होने के बाद इसमें स्पोर का प्रोडक्शन होगा। तो ये बच्चों लिवर वॉर्ट्स हैं, लिवर वॉर्ट में इस तरह का इलैबोरेट मैकेनिज्म, मॉसेस में भी ऐसा ही मैकेनिज्म है, लेकिन मॉसेस के बारे में कल के सेशन में डिस्कशन करेंगे, इस वजह से मैंने मॉसेस की वही फोटो लगाई जिसमें डिप्लॉइड जनरेशन अभी नहीं है। तो चलिए लिवर वॉर्ट्स समझते हैं, लिवर वॉर्ट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है विद इन द ब्रायोफाइट्स। तो लिवर वॉर्ट कहां पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इनके लिए रिक्वायरमेंट है मॉइस्चर की, मॉइस्ट एरिया होना चाहिए, ह्यूमिड एरिया होना चाहिए, वहीं पर वो पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि करीब करीब यानी कि एक डजन स्पीशीज, यानी कि 12 से ज्यादा स्पीशीज, यानी एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, मतलब करीब करीब एक दर्जन स्पीशीज एंटार्क्टिका में भी पाई जाती है। अब आप सोचिए एंटार्क्टिका जहां पर कुछ भी ग्रो करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल से पेंगुइन्स वगैरह रहती है, वो भी कोस्टल एरियाज में रहती है, उस एंटार्क्टिका में लिवर वॉर्ट की दर्जन से अधिक स्पीशीज पाई जाती है। अब ध्यान दीजिए ग्रो कहां करते हैं, दे आर एबल टू ग्रो कहां पर, मॉइस्ट एनवायरमेंट, जहां पर मॉइस्चर होता है वैसे ही एनवायरमेंट में ये ग्रो करते हैं, क्योंकि इनमें स्टोर करने की क्षमता नहीं होती, वाटर को स्टोर करने की क्षमता नहीं है, वाटर को स्टोर करके रखने का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएंगे। बट दे हैव एन इंप्रेसिव एबिलिटी टू ग्रो ओवर सॉइल, प्लांट, रॉक, हर जगह ग्रो कर जाते हैं, ये देख लीजिए बच्चों। दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द पायोनियर स्पीशीज, बैरन लैंड में जब नई नई प्रजातियां आती हैं उनमें इसको पायोनियर स्पीशीज कहा जाता है, राइट अर्जुमन, ध्यान दीजिए बच्चे, करिश्मा, शिखा, श्वेता, आप सबको ध्यान देना है, अदीबा, इस बात को जरा गौर से समझिए, निदा, आपस में बातें ना करके इस चीज को समझने की कोशिश करिए, मोइन, राइट, शिखा, आप यहां ध्यान दीजिए। ऑलराइट बच्चों, तो देखिए अब शुरू हो चुका है लिवर वॉर्ट के ऊपर हमारा डिस्कशन, तो अब आपको बहुत गौर से समझना है। लिवर वॉर्ट देख लीजिए कैसे रॉकी सर्फेस के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ग्रो कर जा रहे हैं। तो मॉसेस जो है लाइकेंस के बाद मॉसेस की ही ग्रोथ होती है बच्चों। पायोनियरिंग स्पीशीज अगर हम किसी को बोलें, बैरन, बिल्कुल बैरन लैंड में सबसे पहले लाइकेंस आते हैं, लाइकेंस के बाद आप देखते हैं कि मॉसेस या लिवर वॉर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, यानी कि ब्रायोफाइटस आते हैं। ब्रायोफाइटस में लिवर वॉर्ट थोड़े से प्रिमिटिव हैं, क्योंकि इनका थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से ये प्रिमिटिव है, क्योंकि इनका जो विकास हुआ है इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में वो एल्गे के बाद ही हुआ, एल्गे यानी कि थैलोफाइटस हम पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद ये ग्रो किए, इसके बाद फिर इरेक्ट एंड अपराइट प्लांट्स की बारी है जिनको मॉसेस के नाम से जाना जाता है। कैसे इलाके में ग्रो करते हैं बच्चों, जहां मॉइस्चर होगा वहीं ग्रो करेंगे लिवर वॉर्ट और मॉसेस दोनों। इस पिक्चर में आप इस इमेज में देखिए, यहां पर एक वाटर सोर्स दिखाई दे रहा है, पानी निकल रहा है, यहां पर वाटर सोर्स है, यानी कि एक पाइप है, पुरानी सी पाइप है, वहां से उस पाइप से पानी निकल रहा है और साइड में पानी लीक हो रहा है पाइप से थोड़ा थोड़ा, तो इस एरिया में पूरे में वाटर स्प्रेड है, हल्का हल्का वाटर स्प्रेड। और देख लीजिए लिवर वॉर्ट कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने पाइप के आसपास के पूरे इलाके को जकड़ रखा है, राइट अमित, हेलो बच्चे, क्लियर है, अदीबा समझ में आ रहा, धीरेन्द्र, विक्रम, ऑल राइट, चलिए अरविंद, ध्यान दीजिए बच्चे, सुधीर, यहां पर समझना बहुत जरूरी है, एक बार में समझ जाएंगे आप सारी चीजों को अगर थोड़ा ध्यान दें। तो प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीफ एंड रूट, इनमें ना तो स्टेम है, ना लीफ है, ना रूट है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये ग्रो कहां से किया इन्होंने, एल्गे से ग्रो किया, थैलोफाइटस के बाद की अगली जनरेशन हम कह सकते हैं। थैलस कैसा है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एंड इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम। बच्चों ये जो टर्म है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, ये आपको कई बार परेशानी में डालता है, ये क्या है भाई डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम में भी पढ़ रहे हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। तो ध्यान दीजिए बच्चे, कोई कोई बॉडी लैटरली कॉम्प्रेस्ड होती है, कोई जीव अगर इस तरह से है ना, तो ये लैटरली कॉम्प्रेस्ड, मछलियों को आप देखेंगे लैटरली कॉम्प्रेस्ड होती है फिशेज, ज्यादातर ऐसे होगी, मोटी सी मछली ऐसे ऐसे जा रही, तो ये कैसा है लैटरली कॉम्प्रेस्ड। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कोई चीज तो इसको कहते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, दिस इज डॉर्सो वेंट, यानी कि डॉर्सल और वेंट्रल दोनों फ्लैट हो गए,
डॉर्सल कौन सा है, पीछे का पोर्शन डॉर्सल है, सामने का पोर्शन वेंट्रल है, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट का मतलब इस तरह से फ्लैट है, ठीक है। और लैटरली कॉम्प्रेस्ड ऐसे होता है, स्ट्रीमलाइन लैटरली कॉम्प्रेस्ड बॉडी ऐसे जाती है ना मछलियां, आपने देखा होगा बहुत तरह की डिजाइन की मछलियां होती है, मछली ऐसे थोड़ी जाती है कि माउथ ऐसे ऐसे खोल रही है, ऐसे ऐसे तो नहीं खोलती माउथ, माउथ ऐसे ऐसे करती है ना, दिस इज हाउ द फिशेस स्विम। तो फिशेस जो है लैटरली कॉम्प्रेस्ड होती है, लैटरली कॉम्प्रेस्ड होती है, इसी वजह से लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन भी पाया जाता है फिशेस में, आपने सुना होगा फिशेस जो है लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट करती है किसी भी वाइब्रेशन को, किसी भी तरह की चीजों को, यानी कि सेंसिटिव होता है, तो लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन लैटरल साइड में होता है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, वंडरफुल। तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है और किसी ना किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर चिपक के रहेगा। देख लीजिए यहां पर कौन सा सबस्ट्रेटम है, जो वाटर सोर्स है वही सबस्ट्रेटम है। आगे बढ़ते हैं, अब थैलॉइड लिवर वॉर्ट इज अ स्ट्रैप लाइन, एक स्ट्रैप जैसा होगा, जैसे किसी टुकड़े को काट के डाल दिया गया, स्ट्रैप लाइन, फीता जैसा, किसी फीता जैसी चीज को काट के डाल दो तो स्ट्रैप लाइक हो जाएगा और काफी बड़ी कॉलोनी फैलाता है, काफी काफी स्प्रेड करता है। एंड अगेन लिवर वॉर्ट इज अ नॉन वैस्कुलर ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट तो है। अब आपको ये ताड़ जैसे क्या दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था बच्चों, अभी इन पे ध्यान मत दीजिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारा डिप्लॉयड 2n जनरेशन है, 2n है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, नीचे वाला जो है ये गैमिटोफाइट है, यानी कि हैप्लॉइड है, n है, अभी हम गैमिटोफाइट की ही बात कर रहे हैं, गैमिटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट जो है वो बाद में डेवलप करता, कब डेवलप करता, अच्छा स्पोरोफाइट डेवलप कब करता, ये तो आपको पता ही होगा, स्पोरोफाइट तब डेवलप करेगा जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जब वॉटर की प्रेजेंस में बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड स्विम करके जाते थे, अभी अब थोड़ी देर पहले बताया था, लिवर वॉर्ट में एक बार फिर दिखाऊंगा, वो सारा का सारा मैकेनिज्म आपको बताऊंगा आगे। चलिए, इट डज नॉट हैव फ्लोएम एंड जाइलम लाइक फर्न, फर्न के जैसे जाइलम फ्लोएम नहीं होता, कॉनिफर के जैसा भी नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में भी होते हैं जाइलम फ्लोएम, इसमें है ही नहीं, जाइलम फ्लोएम है ही नहीं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फूड एंड मिनरल, तो वाटर फूड एंड मिनरल कैसे जाते हैं भाई, सेल टू सेल भी तो ट्रांसफर होता है, सेल टू सेल भी ट्रांसफर होता है, प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, सेल्स के बीच में प्लास्मोडेस्माटल कनेक्शन है, और इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, ये वेलवेटी मैट जैसे ग्रो करते हैं, मैक्सिमम ग्रो कर जाए तो 1 सेंटीमीटर तक ग्रो कर जाते हैं हाइट में, स्प्रेड तो होते हैं काफी, स्प्रेड काफी ज्यादा होंगे, ऊपर की हाइट में बहुत ज्यादा नहीं ग्रो करते, 1 से 2 सेंटीमीटर, हाँ हालांकि कुछ ब्रायोफाइटस हैं जो थोड़े बड़े हैं, इलैबोरेट मैकेनिज्म भी है कई ब्रायोफाइटस में, लेकिन ज्यादातर ब्रायोफाइटस जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं लिवर वॉर्ट, ये तो मैट जैसा कवर बनाते हैं, राइट। चलिए, अब आप कुछ बच्चे पूछ रहे हैं हर्माफ्रोडाइट पूछ रहे हैं, नहीं बच्चों हर्माफ्रोडाइट, पहली बात तो ये हर्माफ्रोडाइट टर्म हम एनिमल्स में यूज करते हैं, प्लांट में हम बाइसेक्सुअल यूज करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में आपने सुना हुआ है, एक तो वो बात है, दूसरा ये ऐसे हैं कि जो हमारे लिवर वॉर्ट होते हैं, लिवर वॉर्ट में भी कुछ अलग अलग है, लेकिन एक लिवर वॉर्ट जिसके बारे में ज्यादा जिक्र होता है मर्केंशिया पॉलीमॉर्फा, तो मर्केंशिया पॉलीमॉर्फा डायोशियस है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, राइट, लेकिन सारे ब्रायोफाइटस डायोशियस नहीं होते, फ्यूनेरिया की बात करेंगे मॉसेस में वो मोनोएशियस है, ये सारी की सारी जानकारी आपको जब लाइफ साइकिल बताऊंगा तब मिलेगी, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं ब्रायोफाइटस में लिवर वॉर्ट्स के बारे में। नाउ दे रिमेन स्मॉल विथ ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर थिक, चौड़ाई इनकी जो है बहुत ज्यादा नहीं होती, कुछ सेंटीमीटर थिक ही होती है ना, मतलब मैक्सिमम जो स्प्रेड इनका हो जाएगा वो 1.5 से 3 सेंटीमीटर तक हो सकता है, हाँ हालांकि बॉडी का जो इलैबोरेशन है वो ज्यादा भी जा सकता है, स्प्रेड आउट करते करते जा रहा है, हाइट में बहुत ज्यादा नहीं आएगा। So they remain small, only a few centimeter cells thick, कुछ ही cells के द्वारा बने हुए हैं, and grow in moist location or in location जो जहां पर lot of precipitation या foggy weather होता है। ध्यान दीजिए बच्चे, precipitation का मतलब होता है आसमान से किसी ना किसी form में water का नीचे आना, वो precipitation rain हो सकता है, snow हो सकता है, hail हो सकता है, fog हो सकता है, फॉग तो जानते हैं, फॉग तो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से डेवलप हो जाता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब है चाहे ओला गिरे, चाहे पानी गिरे, चाहे स्नोफॉल हो, चाहे बर्फ गिरे, जो भी कुछ आसमान से गिरेगा उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो जिस इलाके में काफी ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है या फॉग मेंटेन रहता है, फॉगी एनवायरमेंट, तो फॉग का मतलब क्या है, एटमोस्फियर में मॉइस्चर है, ऐसी जगहों पर ये ग्रो करना
पसंद करते हैं। बात करते हैं मरकेंशिया। मरकेंशिया की बहुत सारी स्पीशीज है, लेकिन मरकेंशिया की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो मरकेंशिया पॉलीमॉर्फा है। पॉलीमॉर्फा इतना जरूरी भी नहीं है, आप सिर्फ मरकेंशिया याद रखें, इसी से आपको समझ में आ जाएंगी सारी की सारी चीजें। इसके अलावा नहीं पूछा जाता कि मरकेंशिया की कौन कौन सी स्पीशीज है। तो मरकेंशिया पॉलीमॉर्फा काफी कॉमन स्पीशीज है, लेकिन आप इन जनरल मरकेंशिया के नाम से ही उसको जाने। मरकेंशिया एसपी भी हम कह सकते हैं। मरकेंशिया को अगर साइंटिफिक नेम के फॉर्म में लिखा जाए तो मरकेंशिया एसपी लगा सकते हैं आप, एसपी विद अ डॉट। और जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है इसकी वो है मरकेंशिया पॉलीमॉर्फा, लिख देता हूं, आपको मैक्सिमम यही मिलेगा। रिक्शिया भी होता है, रिक्शिया अलग है, मरकेंशिया अलग है, लेकिन दोनों के दोनों लिवर वॉर्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो व्हाट इज दिस मरकेंशिया? मरकेंशिया इज अ मेंबर ऑफ मरकेंशियेसी फैमिली। एक फैमिली है मरकेंशियेसी फैमिली, उस फैमिली का मेंबर है मरकेंशिया। ये एम्ब्रेस कर लेता है जिस सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करता है उसको एम्ब्रेस कर लेता है। एम्ब्रेस इज द सबस्ट्रेट ऑन विच इट ग्रोज, यूजुअली मॉइस्ट सॉइल और वेट रॉक्स। देखिए बच्चों, मैंने सारे पॉइंट आपके लिए इंक्लूड कर लिए हैं, क्योंकि आप फिर कई बार कहते हैं कि सर आप सारे पॉइंट जो है हमें लिख के नहीं बताते। मैंने कहा कि भाई ये सारे के सारे पॉइंट इंक्लूड कर लेंगे तो ज्यादा जल्दी हम चीजों को ग्रैस्प करेंगे, क्योंकि लिखने में फिर टाइम वेस्ट होता है। ऑलराइट, सो समझ में आ गई बात यहां तक। एम्ब्रेस कर लेता, जकड़ बना लेता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसकी जकड़ की वजह से सॉइल इरोजन रुकता है। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के ऊपर या रॉक के ऊपर जहां पर भी ये ग्रो करेगा तो वहां पर मिट्टी की जकड़ को पकड़ मजबूत बना देगा, और इसकी पकड़ की वजह से, मिट्टी की जकड़ की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। थैलस सेगमेंट आर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। डाइकोटोमस ब्रांचिंग मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही दिखाया था, वो जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। बच्चों एक चीज और, जब मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग जरा ध्यान दिया करिए पढ़ाई पर। आप लोग कई चैट वगैरह भी करते रहते हैं, डाउट्स आप बाद में पूछ सकते हैं, है ना निदा, गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मैं सारे के सारे नहीं देख पाता। अब मारिया जैसे आई हुई हैं, अब वो सॉरी फील कर रही हैं फॉर बीइंग लेट। बच्चे सब रिकॉर्डेड है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप बाद में देख लीजिए पुराना पोर्शन जो रह गया, यू विल नॉट मिस एनीथिंग। ऐसा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ध्यान दीजिए यहां पर जो टॉपिक बताया जा रहा है। तो थैलस कैसा होता है? डाइकोटोमसली ब्रांच। डाइकोटोमस ब्रांचिंग का क्या सबब है? डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब आगे ग्रो करेगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, फिर ये वाला पार्ट जब ग्रो करेगा ये भी दो में ब्रेक, ये वाला ये भी दो में, हर बार वो दो दो में ब्रेक करता चला जाएगा। दैट इज नोन एज डाइकोटोमस ब्रांचिंग। बड़ा सिंपल सा फीचर है इसमें। अब देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। द सेगमेंट्स आर 10 to 15 मिलीमीटर। अब आप सोच लीजिए 10 to 15 मिलीमीटर कितना हो गया? 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक ये वाइड होते हैं, चौड़ाई में ग्रो करते हैं, है ना। तो इंचेस की अगर हम बात करें तो इंचेस में देखिए 0.4 से 0.6 इंचेस तक ही ये ग्रो कर पाते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि आधा इंच के करीब करीब 1 से 1.5 सेंटीमीटर 10 से 15 मिलीमीटर वाइड होते हैं, फ्रीक्वेंटली फॉर्म लार्ज मैट्स। और इसको देख करके ऐसा लगेगा आपको जिस इलाके में है, जिस सॉइल पे, जैसे कि किसी ने मैट चटाई बिछा दी है। Now the surface of the thallus is covered with tiny pores. बच्चे ये बड़ी important बात है, इसको मैं टिक कर देता हूं। Tiny pores होते हैं, stomata नहीं होता, इनमें stomata नहीं होता। Stomata इनके बाद वालों में आएगा। इसका मतलब क्या है? Stomata बाद में किस में आएगा? Stomata आएगा mosses में। Mosses में भी पूरे thallus में नहीं है, diploid structure में stomata आता है। तो आपको ये क्लू है ताकि आप समझ जाएं कि ये less advanced है और mosses high advanced है। मॉसेस ज्यादा एडवांस्ड हैं, ये लेस एडवांस्ड हैं। अब इनमें क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज के लिए पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। उन पोर्स को स्टोमाटा बिल्कुल भी नहीं कहते। वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पोर्स कैसे होते हैं वो देख लीजिए आप, कैसे होते हैं पोर्स। इसके थैलस को क्रॉस सेक्शन करके यहां पर दिखाया गया है। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, लोकेट करने की कोशिश करिए बच्चे, एयर पोर, ये देख लीजिए लेवलिंग है यहां पर एयर पोर की। ट्राई टू फॉलो द एरो, और ये रहा एयर पोर का एरिया। पूरे के पूरे थैलस में देख लीजिए छोटे छोटे पोर्स हैं। ऊपर का सरफेस है ये ऊपर का सरफेस, और नीचे के सरफेस में क्या है? राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं राइजोइड्स। ये देख लीजिए राइजोइड्स है, राइट, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड, है ना। पेग्ड राइजोइड भी है जिसमें पेगिंग होती है।
एंड स्केल्स हैं इनके ऊपर। अब ये राइजोइड के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका हम आगे जिक्र करेंगे कि कौन कौन से टाइप के राइजोइड्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के स्केल हैं, किस टाइप की पेगिंग है। अभी मर्केंशिया के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। तो दे आर होल्स टू अलाउ गैस एक्सचेंज बिटवीन इनसाइड ऑफ द थैलस एंड द एटमॉस्फेयर। इसी स्ट्रक्चर की वजह से गैशियस एक्सचेंज होता है। इन एयर पोर्स को ध्यान रखिएगा बच्चों, स्टोमाटा नहीं कहते, दे आर नॉट स्टोमाटा, दे आर एयर पोर्स। क्लियर है, समझ में आ गई बात? बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके दिमाग में आता है कि भाई थैलोफाइटिस के बाद का है, ब्रायोफाइटिस है, फर्स्ट लैंड प्लांट है, तो होना चाहिए स्टोमाटा। लेकिन नहीं बच्चों, क्योंकि ये डेवलप हो रहा है अभी, प्लांट किंगडम अभी अभी डेवलप हो रहा है। समझ में आई बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या स्ट्रक्चर पाया जाए। मर्केंशिया के अगर ऊपर स्ट्रक्चर को आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको एक सॉसर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सॉसर का मतलब क्या होता है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा चौड़ा, कप लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको कप लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, कोई कोई इसको सॉसर लाइक स्ट्रक्चर कहता है। मैंने सॉसर लाइक इसलिए लिखा क्योंकि कभी मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सॉसर लाइक स्ट्रक्चर, तो आप तो सर खुजाने लग जाए, भाई ये सॉसर क्या है? सॉसर का मतलब होता है कप एंड सॉसर, है ना, कप और प्लेट को कप एंड सॉसर कहते हैं। आप सबको शायद ना पता हो लेकिन मुझे याद है जब मैं नर्सरी में स्कूल में गया था सबसे पहले, तो मुझे यही चित्र सबसे पहले बनवाया गया था, कप एंड सॉसर। तो एक सॉसर, एक प्लेट थी, उसके ऊपर कप रख करके डिजाइन मैंने बनाना सीखा था। तो इट वॉज वन ऑफ दोज फर्स्ट डिजाइन दैट आई हैव लर्न। मुझे नहीं पता आपने किस क्लास में सीखा, लेकिन सीखा जरूर होगा, कप प्लेट का स्ट्रक्चर आपने बनाया है, तो कप एंड सॉसर, ठीक है, सॉसर लाइक स्ट्रक्चर। अब जब ऊपर का जो थैलस है उसको जब क्रॉस सेक्शन किया गया, बच्चे ये भी वही क्रॉस सेक्शन का स्ट्रक्चर, ये देख लीजिए नीचे राइजोइड दिख रहा है और ये ऊपर का स्ट्रक्चर है। ऊपर के स्ट्रक्चर में कहीं कहीं पर इस तरह के कप शेपेड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ऐसे नॉचेस बन जाते हैं, ये देखिए बन गया ना एक सॉसर लाइक स्ट्रक्चर, एक कप शेपेड स्ट्रक्चर बन गया। इसी को जेमा कप कहते हैं और उस जेमा कप के अंदर जेमा होते हैं, ये देख लीजिए, ये रहे जेमा, एक दो तीन चार। कंफ्यूज मत होइएगा जेम्यूल से, जेम्यूल स्पॉन्जेस में होता है, एंडोजिनस बडिंग है, और इसमें भी ये भी एक तरह के बड ही कह सकते हैं आप। तो ये जेमा है, जेमा कप के अंदर होते हैं, जेम्यूल बिल्कुल नहीं है, दे आर नॉट जेम्यूल। हालांकि दोनों ही एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। आगे बढ़ते हैं। ईच जेमा इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन टू न्यू थैलस। अब ये एक एक जेमा जो है वो अलग अलग थैलस में बदल जाते हैं, आपने देखा होगा, आगे भी दिखाऊंगा स्ट्रक्चर। उस जेमा को मैंने यहां एनलार्ज करके आपके समक्ष रखा है, ये वो जेमा है, स्टॉक के साथ अटैच होता है जेमा कप के अंदर, जेमा कप के अंदर इसी डंडी के साथ ये अटैच रहता है, और ये देख लीजिए इसमें एक नॉच होता है। अब ये नॉच क्यों बना हुआ? क्योंकि डायकोटोमस ब्रांचिंग है बच्चे, तो नॉच तो बना ही रहेगा, उसको ऐसे ही ग्रो करना है ना, हमेशा विभाजित होकर ही ग्रो करना है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर, नंबर 8 जैसा दिखता है, देख लीजिए जैसे किसी ने 8 नंबर लिख दिया हो। ऑयल सेल्स हैं इसके अंदर, कुछ रिजर्व तो रखेंगे ग्रोथ के लिए। नाउ ईच जेमा इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू थैलस इफ द कंडीशंस आर करेक्ट। ध्यान रखिए, जब कंडीशंस करेक्ट होंगे यानी कि फेवरेबल कंडीशन में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है या जब किसी जनरेशन को चेंज करना हो तब होता है, राइट। अब ध्यान दीजिए, ये जो जेमा बन गए, इन जेमा को कौन डिस्पर्स करता है? रेनड्रॉप। जेमा कप है, ऐसे ओपन है, इसमें जेमा है, ऊपर से बारिश की बूंद गिरी, बिखर गए जेमा। बारिश की बूंद जैसे ही गिरी, क्योंकि बड़ा छोटा स्ट्रक्चर होता है, एक ड्रॉप वाटर भी बड़ा हैवी है इसके लिए, बारिश की एक बूंद जैसे ही गिरी ये स्ट्रक्चर बिखर गया। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज, क्लैरिटी आ रही? बिखर गया स्ट्रक्चर रेन ड्रॉप के पड़ते। इंसेक्ट, कीड़े आ जाते हैं कई बार, स्मॉल मैमल्स, कोई मैमल इसके ऊपर से चल के चला गया, कोई चूहा चला गया या कोई और एनिमल चला गया, फ्रॉग फुदक के निकल गया, कोई भी इसके ऊपर स्टेप करता है तो ये जेमा जो है स्प्रेड हो जाते हैं इन द एनवायरनमेंट, आसपास स्प्रेड हो गए, मॉइस्चर मिलेगा, पानी मिलेगा, तो वो जेमा ग्रो कर जाएगा, ग्रो करेगा तो इलैबोरेट स्ट्रक्चर बनाएगा, जाहिर सी बात है दोबारा से फिर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए बच्चे, देख लीजिए एक पॉइंटर से उस जेमा कप को पॉइंट किया गया, जेमा कप को गौर से देखिए, उसके अंदर जेमा भी दिखाई दे रहे हैं, सेकेंड वाले में जेमा भी दिखाई दे रहे हैं, जो नीचे वाला है सेकेंड स्ट्रक्चर है उसके अंदर, ये देखिए जेमा है, इन जेमा को आउट करके निकाल करके दिखाया जा रहा है, ये देख लीजिए नंबर 8 जैसे बने हुए, ये रहा जेमा कप, ध्यान से देखिए इसके अंदर जेमा आपको दिखाई दे रहे हैं, वो पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर को जैसे ही टच कराएगा उसी से निकल आएगा, इतने छोटे होते हैं, इतने लाइट होते हैं, उसको टच करा दो निकल आएगा,
ये देख लीजिए, ये जो पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर एक रॉड जैसा दिख रहा है पॉइंटेड, उसी से जेमा बाहर आ जा रहा है। क्लैरिटी आ गई। अब इस जेमा को आप कहीं पर भी थोड़ा सा मॉइस्चर है ग्रो करा दीजिए, ग्रो कर जाएगा। ये देखिए क्लियर है जी, बिल्कुल सबको समझ में आ गया कि किस तरह से जेमा के थ्रू ग्रोथ होती है मर्केंशिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि इससे आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। ठीक है, इससे आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ऑलराइट, अब कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि मैंने जो कलर सिलेक्ट किया हुआ है पेन का, वो कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों आपको याद है कुछ टाइम पहले मैं रेड यूज करता था तो बच्चे मेरे से पूछते थे, सर आपको रेड ज्यादा पसंद है। फिर मैंने चेंज कर लिया, एक न्यूट्रल कलर ले लिया। येल्लो वैसे भी आईज को ज्यादा दिखाई देता है ना, कपड़ों में येल्लो निशान देखिए ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके पीछे फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स का रोल है, वो आप लोग ढूंढिएगा, इसके बारे में मैं यहां जिक्र नहीं करूंगा, है ना। येल्लो कलर, तो येल्लो कलर आपको दूर से दिखाई देता है। हाँ, व्हाइट बैकग्राउंड में जरूर थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट एनीवे आप कहते हैं तो आगे चेंज भी कर लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हर चीज को समझना है, चीजें सब मिक्स हैं, जुड़ी हुई हैं, सारे सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं। चलिए बात करते हैं गैमिटोफोर के बारे में। मैंने आपको बताया था ये एक ताड़ के पेड़ जैसा स्ट्रक्चर जो आपको इसमें दिखाई देता है, वो पाम ट्री नहीं है, वो एक डंडी है जिसका नाम है गैमिटोफोर। क्या कहते हैं उस स्टॉक को? गैमिटोफोर। गैमिटोफोर कहां ग्रो करता है? फीमेल प्लांट में ग्रो कर सकता है और स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमिट। फीमेल प्लांट में अगर गैमिटोफोर है तो उसका नाम है आर्केगोनियोफोर। ये देख लीजिए, गैमिटोफोर है अगर फीमेल प्लांट में है तो उसका क्या नाम आएगा? आर्केगोनियोफोर। राइट, है तो गैमिटोफोर ही, गैमिट को बियर करेगा। गैमिटोफिटिक जनरेशन के ऊपर डेवलप हो रहा है लेकिन बनाएगा क्या? गैमिटोफोर का मतलब है कि वो गैमिटोफिटिक जनरेशन की सृष्टि करेगा, बनाएगा। थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म बोल दिए। ध्यान से सुनिए, जो ये नीचे ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर यानी कि जिसमें राइजोइड तक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए राइजोइड दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन स्ट्रक्चर, ये जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये रहा जेमा कप, ये देखिए जेमा कप से जेमा ग्रो कर रहे हैं, जेमा से फिर ये दोबारा ग्रो कर जाएगा। ये सारे के सारे जो है हमारा गैमिटोफाइटिक जनरेशन है। जब गैमिटोफाइटिक जनरेशन ने बनाना होगा क्या? अगला जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन, तब ये ग्रोथ कराएगा किस चीज की? एक डंडी की, जिसको कहेंगे हम गैमिटोफोर, यानी कि जो गैमिट बियरिंग स्ट्रक्चर बनेगा गैमिटोफोर। ध्यान से समझिएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनने के बाद इसमें प्रोडक्शन होगा गैमिट्स का, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले का इंतजाम हो रहा है। समझ में आई बात? अब इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ी देर पहले आपको मैंने भी बताया कि इसी स्ट्रक्चर में स्पोरोफिटिक जनरेशन आती है, और मैंने ये भी कहा था कि मैं आगे बताऊंगा ये गैमिटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन में क्या फर्क है। अब ध्यान से सुनिए, वो वक्त आ चुका है जब इस पर हम चर्चा करते हैं। बच्चों नीचे का जो स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, किससे ग्रो किया? अभी हमने देखा जेमा के थ्रू, जेमा के थ्रू ये स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहा है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये गैमिटोफाइटिक जनरेशन है, यानी कि हैप्लॉइड। जैसे गैमिट होते हैं, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, गैमिटोफाइटिक जनरेशन है। अब इस गैमिटोफाइटिक जनरेशन ने स्पोरोफिटिक जनरेशन भी बनाना होता है, जो कि गैमिटोफाइट के ऊपर पैरासाइट होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, इसके ऊपर जब इसने बनाना होगा स्पोरोफिटिक जनरेशन, तो ये बनाता है गैमिटोफोर। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये बनाता है गैमिटोफोर, एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर जो इसके ऊपर इस तरह से ग्रो करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, इसमें दो अलग अलग थैलस होंगे, मेल थैलस अलग है, फीमेल थैलस अलग है। फीमेल थैलस में बनाएगा आर्केगोनियोफोर, यानी कि इस पे आएगा आर्केगोनिया, और जिसमें फीमेल थैलस है, यानी कि जिसमें आर्केगोनिया आएगा, जिसमें आर्केगोनियोफोर होगा, उसी में स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगी। समझ में आ गई बात? तो जब स्पोरोफिटिक जनरेशन आ जाएगी तो इसको बोलेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन वाला। लेकिन स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या हमें दिखाई देगा? स्पोरोफिटिक जनरेशन बड़ा मुश्किल से दिखाई देता है लिवरवॉर्ट्स में, यानी कि मर्केंशिया में भी मुश्किल से दिखाई देगा। लेकिन किसमें दिखाई देगा? इलैबोरेट मैकेनिज्म के थ्रू, मॉसेस में। मॉसेस में ये स्ट्रक्चर बहुत इलैबोरेट दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि कभी भी
आप इस चीज को मत सोचिएगा कि ये जो ताड़ जैसा स्ट्रक्चर है यही स्पोरोफिटिक जनरेशन है। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन को कंटेन करता है, इसके अंदर स्पोरोफिटिक जनरेशन आती है। तो रहती कहां है, अगर आती है तो कहां रहती है, कहां छिप जाती है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इसके नीचे ग्रोथ होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन की। बहुत छोटा स्पोरोफाइट होता है, उसके अंदर स्पोर बनते हैं, वो भी मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा। उसमें इलेटर मैकेनिज्म के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है, स्पोर डिस्पर्सल नॉट सीड डिस्पर्सल। तो समझ में आ गई बात, क्लैरिटी आ गई, ठीक है। ये बहुत जरूरी है बच्चे इस चीज को समझना। ज्यादातर बच्चे हमेशा जब भी पढ़ते हैं ब्रायोफाइटस के बारे में, सारे के सारे बच्चे जैसे ही डंडी देख लेते हैं ये वाली मर्केंशिया में या किसी में, वो समझ जाते हैं अच्छा 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 ये तो स्पोरोफाइट है, पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट। नहीं बच्चे, पैरासिटिक है लेकिन वो आर्केगोनियो 4 में होता है, आर्केगोनियो 4 के नीचे की तरफ होता है। क्लियर हो गया? तो गैमेटो 4 जो है फीमेल प्लांट का, उसके उसको क्या कहते हैं, आर्केगोनियो 4, क्योंकि वो आर्केगोनिया बियर करेगा। ऑन द अदर हैंड गैमेटो 4 जो कि मेल प्लांट में है उसको एंथेरिडियो 4 कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एंथेरिडियो 4। तो ध्यान से देखिए बच्चे, इसमें कभी भी मेल में कभी भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं ग्रो करेगा, इट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो ध्यान दीजिए, मर्केंशिया का जो मेल थैलस है, मर्केंशिया में जो मेल थैलस है, मेल थैलस Always haploid, always haploid, ध्यान रहेगा इस चीज को, याद रखिएगा। इसमें हमेशा गैमेटोफाइटिक जनरेशन ही होगी। ऑलवेज हैप्लॉइड का मतलब है गैमेटोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइट ही रहेगा, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो अब आप आज के बाद इन जनरल नहीं पकड़ेंगे कि गैमेटो 4 है तो वो हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफाइट है, पूरा का पूरा गैमेटोफाइट है, क्योंकि इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे वो ऊपर की तरफ रिलीज होंगे बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड, और वो एंथेरोजॉइड स्विम करके पहुंच जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, उनको पहुंचना है आर्केगोनियो 4 के पास, आर्केगोनियम के अंदर पहुंचना है। अब एक और चीज देखिए बच्चे बड़ी गौर से, वाटर की फिल्म चाहिए इसको रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट करने के लिए, वाटर की फिल्म चाहिए, नैरो फिल्म ऑफ वाटर की जरूरत होती है। तो मेल ऊपर की तरफ रिलीज होंगे क्योंकि पानी में बह के जाना है तो ऊपर की तरफ आना चाहिए, लेकिन जो फीमेल वाला है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, क्योंकि पानी अगर थोड़ा सा भी टच है तो वो नीचे से जा सकता है, लेकिन अगर ऊपर होंगे तो ज्यादा पानी की जरूरत होगी। बच्चों इतना बढ़िया मैकेनिज्म, खुद समझिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए। मेल वाला जो है वो ऊपर रिलीज होता है और फीमेल वाला नीचे की तरफ है, मेल वाला ऊपर की तरफ रिलीज होता है, फीमेल वाला नीचे की तरफ है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, राइट? क्लियर है? आपने बच्चे अपना नाम तो लिखा नहीं, महाकाल की जय तो सबको करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपने अपना नाम भी तो लिखना चाहिए, है ना? आप अपना नाम जिक्र नहीं कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ और महाकाल की जय करने को बोल रहे हैं, बिल्कुल उनकी जय जयकार है। मतलब सृष्टि ही ईश्वरी ताकतों से बनी हो, वो चाहे भगवान हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु हो, है ना, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, तो सृष्टि तो ईश्वरी तत्वों से ही बनी, हम इंसान तो तुच्छ प्राणी हैं। चलिए अब इस पे डिस्कशन ना करके थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते। तो गैमेटो 4 समझ में आ गया, तो मेल वाला ऐसे ऊपर रिलीज होगा क्योंकि पानी में स्विम करके जाना तो ऊपर की तरफ रिलीज होगा, लेकिन फीमेल वाला नीचे की तरफ, यानी कि पानी अगर थोड़ा कम भी हो रहा है तो उसका माउथ नीचे पानी की तरफ है, वहां तक पहुंच जाए बस काम हो जाएगा। बहुत नैरो फिल्म ऑफ वाटर की जरूरत होती है इनको। क्लैरिटी आ गई कि मेल थैलस ऑलवेज हैप्लॉइड होगा, गैमेटोफाइटिक जनरेशन ही होगा, लेकिन फीमेल में गैमेटोफाइटिक के साथ साथ स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगा जो कि इसके ऊपर पैरासाइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए हमारा रिप्रोडक्शन इन मर्केंशिया। मर्केंशिया में जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस चीज को आपको गौर से ध्यान से देखना पड़ेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन हो गया या फिर जेमा का फॉर्मेशन होता है, तो ये फ्रैगमेंटेशन से भी हो जाता है, इनमें प्रोटोनीमा नहीं होता, हैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्रैगमेंटेशन या रीजनरेशन के थ्रू ग्रो करेगा। इसके अलावा जेमा बनते हैं मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड्स, जेमा कप के अंदर बनते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं एसेक्सुअल। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये देख लीजिए, ये रहा एंथेरिडियम एंथेरिडियल, ये आर्केगोनियल हेड, आर्केगोनिया और एंथेरिडियम दोनों अलग अलग होते हैं।
अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहां पर वो चीज आपको समझाई गई है इस चित्र के माध्यम से। ध्यान से गौर से देखिए बच्चे, गैमिटोफाइट कैसा है? गैमिटोफाइट हैप्लॉइड होता है। किससे बना है? स्पोर से बना। ये देखिए स्पोर ग्रो करके गैमिटोफाइट को बना रहा है। ये देख लीजिए, एरो को फॉलो करिए, स्पोर गैमिटोफाइट को बना रहा, इसमें कोई शक नहीं। गैमिटोफाइट जो बना उसमें एंथेरिडियम आएगा, आर्केगोनियम आएगा, दोनों अलग अलग थैलस के ऊपर आएंगे। कहां आएंगे? अलग अलग थैलस के ऊपर। ये देखिए बच्चे, फीमेल गैमिटोफाइट इस वाले प्लांट का है, मेल गैमिटोफाइट इस वाले का। थोड़ा सा उसको इलैबोरेट किया गया। ये देखो मेल वाले ऊपर से रिलीज होंगे, ये देखो ऊपर से इनमें रिलीजिंग, और फीमेल वाले नीचे की तरफ है। ये दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ का ये स्ट्रक्चर। तो यहां से जो रिलीज होगा वो वाटर की प्रेजेंस में यहां तक पहुंच जाएगा। आगे आपको और दिखाऊंगा। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनेगा, डिफरेंशिएटेड फुट सीटा कैप्सूल। स्पोरोफाइट कहां आएगा? स्पोरोफाइट बच्चे इसी स्ट्रक्चर में यहां ग्रो करेगा, नीचे की तरफ लटकता हुआ स्पोरोफाइट ग्रो करेगा। आगे बढ़ते हैं और स्पोरोफाइट को देखने की कोशिश करते हैं और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। स्पोरोफाइट जो फुट सीटा कैप्सूल बनाएगा, उसी कैप्सूल के अंदर मियोसिस हो जाएगा, स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे, बस इतनी सी कहानी। ये देखिए बच्चे, यहां पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है। और अब स्ट्रक्चर को देखिए बच्चे, फीमेल गैमिटोफाइट के ऊपर जो स्पोरोफाइट ग्रो करेगा वो कहां है? ये देखिए बच्चे, ये वाला स्ट्रक्चर फुट सीटा कैप्सूल, इसको ध्यान से देखिए। ये बड़ा छोटा स्ट्रक्चर होता है, यहीं आ जाता है, आर्केगोनिया से ही डेवलप करेगा, ऐसे इतना बड़ा हो जाएगा मैक्सिमम, आप समझ लीजिए बस इतना बड़ा, इतना सा स्ट्रक्चर यहां से ग्रो कर जाता है। ये देखिए यहां से ऐसे करके ग्रो कर जाएगा फुट सीटा कैप्सूल। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये रहा आर्केगोनियम, इसके अंदर सिंगल एग है, उस सिंगल एग तक जाने के लिए स्पर्म को प्रोड्यूस जाना पर पड़ता है, स्पर्म वहां तक पहुंच गया और उसके बाद एम्ब्रियो बन गया। ये देखो जाइगोट या एम्ब्रियो बन गया और वही जाइगोट ग्रो कर रहा है। ग्रो करने के बाद यहां पर ये देखिए स्पोर का रिलीजिंग हो रही है, इलेटर मैकेनिज्म, और स्पोर दोबारा से ग्रो कर जाएंगे, राइजोइड बना देंगे और फिर से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई। क्लियर है? जिनको ना समझ में आया हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, क्योंकि कल हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मॉसेस के बारे में। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी काफी इस पे इंफॉर्मेशन बची हुई है। ये देखिए बच्चे, यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप येलो कलर का देख रहे हैं ये इलेटर्स हैं, जो उस स्पोर के अंदर, यानी कि जो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है, कैप्सूल जिसको कहते हैं, उस कैप्सूल के अंदर से निकले हुए हैं। देख लीजिए किस तरह से फटे हुए हैं, और इनमें बड़ा ब्यूटीफुल मैकेनिज्म होता है, ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते रहते हैं, आपस में डांसिंग करते हैं। क्यों डांसिंग करते हैं? डांसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, कभी ड्राई होते हैं कभी गीले होते हैं, तो मूवमेंट आपने भी देखा होगा, ऑटोमेटिकली नेचर में कई चीजें मूव कर जाती है ना। कई बार किसी रोप को लीजिए, रस्सी को, और खूब ज्यादा उसमें जो है वाइंडिंग कर दीजिए और रस्सी को छोड़ दीजिए, देखिए अपने आप कैसे रस्सी घूम रही होती, डांस कर रही होती। क्या रस्सी डांस कर सकती है? नहीं कर सकती, लेकिन वो कर रही होती है। क्यों कर रही होती है? वो इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसमें कुछ जो है ट्विस्ट है। सेम गोज हियर, स्पोर्स आर डिस्चार्ज्ड बाय इलेटर मूवमेंट, इलेटर की मूवमेंट से स्पोर डिस्चार्ज होते हैं। इलेटर कैसे होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्वेल हो जाते हैं, जब वाटर लॉस हो जाता है तो फिर वो ड्राई होते हैं। सो दे ट्विस्ट और अनट्विस्ट, इनमें ट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग हो रही है बच्चे, ध्यान से देखिए, और स्पोर रिलीज हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सराउंडिंग एयर। तो ये स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, यही है स्पोरोफाइट, यही है स्पोरोफाइट। किस पे ये ग्रो कर रहा है बच्चे? ये वाला ऊपर छत को देखिए, ये छत के नीचे लटक रहा है। ये छत किस चीज की है? वही छतरी है जिसको मैंने अभी आर्केगोनियोफोर कहा था, वही छतरी है, उसके नीचे ये उल्टा लटक रहे हैं। फुट कैप्सूल सीटा, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वो छतरी जो मैंने बताई थी, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है ना, आरके एंथेरिडियोफोर में नहीं होता, एंथेरिडियम में से नहीं होता, आर्केगोनियम से होता है। नाउ अ मैच्योर कैप्सूल स्प्लिट ओपन विद अ ग्लोबोज मास ऑफ स्पोर इंटरमिक्स्ड विद लॉन्ग स्ट्रेट वर्टिकली अलाइंड इलेटर। अंदर की तरफ बंद होता है, एकदम से ऐसे फट जाता है, बाहर की तरफ लटक जाते हैं। जब ये फटता है बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल मैकेनिज्म होता है, पहले इतना सा रहेगा, जब फटेगा और थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि अंदर से इलेटर्स निकला है, इलेटर्स के साथ साथ चिपके हुए हैं स्पोर। बच्चे ध्यान दीजिएगा, इलेटर के साथ साथ, इलेटर एक रस्सी जैसा है ऐसे, उस पे स्पोर चिपके हुए, तो जब वो ट्विस्ट टर्न होता है तो स्पोर रिलीज होते हैं। जब वो ट्विस्ट और टर्न करता है बच्चों, तभी स्पोर रिलीज होते हैं। समझ में आ गई बात? ये देख लीजिए बच्चे, स्केल भी है आपके सामने, ये देखिए कैसे रिलीज हो रहे हैं, स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं।
और जब ट्विस्ट टर्न करता है तो स्पोर का रिलीजिंग, ये देख लीजिए धुआं जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज हाउ द स्पोर्स आर बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे ये सूखते जाते हैं, यानी कि जो इलेटर्स आपने पढ़ा हुआ, इलेटर मैकेनिज्म, अब कई बच्चे पूछ रहे हैं, नव्या पूछ रहे हैं व्हाट आर इलेटर्स। बच्चों इलेटर का जो स्ट्रक्चर है अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको, इलेटर इसके अंदर होते, जो फुट कैप्सूल सीटा वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये देख लीजिए बच्चे, ये है इलेटर्स, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं फुट कैप्सूल सीटा, ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर इलेटर्स होते हैं, वो इलेटर्स बाहर की तरफ लटक जाते हैं, ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे अभी फोटो में आपको और दिखाई देगा क्लैरिटी के साथ, ये बड़े माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो पहले तो आपको एक जनरल आइडिया बताऊं कि वाकई में अगर मैं बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पहले ही दिखा दूंगा, आप कहेंगे अरे ये तो फिर बहुत बड़ा है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये देख लीजिए, यहां तक समझ में आ गया। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे ड्राई करते हैं इलेटर्स, उनके साथ जो एंटेंगल्ड स्पोर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, वो ट्विस्ट और टर्न होते हैं और स्पोर रिलीज हो। ये देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, हाईली मैग्निफाइड इमेज ऑफ द इलेटर्स, ये इलेटर्स देख लीजिए, जो धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं उनके साथ स्पोर चिपके हुए हैं। आप देखिए यहां पर गौर से देखिए इन स्ट्रक्चर्स को और आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर है, ये रहे देखिए, ये स्ट्रक्चर ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, ये रहे स्ट्रक्चर, इनके साथ साथ स्पोर चिपके हुए हैं, वो स्पोर अलग अलग होते जाते हैं जैसे ही इनकी डांसिंग होती है। बड़ा ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। स्पोर डिस्पर्सल की बात कर लेते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम वन विल इलेटर और अनादर में सडनली फ्री इटसेल्फ फ्रॉम नेबर्स, बीच बीच में एक इलेटर फ्री हुआ, फिर कोई इलेटर फ्री हुआ, एक दूसरे से फ्री हो करके वो धीमे धीमे सडन जर्की मूवमेंट करते रहते हैं और थ्रो करते रहते हैं उनके स्पोर हवा में। जर्की मूवमेंट एकदम से ऐसे ऐसे ट्विस्ट होगा, टर्न होगा, ऐसे खट खट खट, तो जब इस तरह से होगा, कभी ऐसे हुआ कभी ऐसे हुआ, तो होगा कि नहीं होगा, जैसे किसी चीज को आप शेक करिए, आप कपड़ा लीजिए उस पर डंडी से मारिए, डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाएगा, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है। बड़ा सिंपल मैकेनिज्म, इसी तरह से आर्केगोनियोफोर में से रिलीज होते हैं। अब ये इतने छोटे होते हैं, इसका फुट सीटा कैप्सूल समझ में नहीं आता, लेकिन जब मॉसेस की बात करेंगे कल के सेशन में, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बतानी है मुझे। एल्गे में एक जाइगोट बना था, वही था स्पोरोफिटिक जनरेशन, इनमें थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब इसके बाद जो मॉसेस है और बड़ा होगा, फिर टेरिडोफाइट्स में और बड़ा होगा, फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में वही रहेगा, स्पोरोफाइट ही आ जाएगा, टेक ओवर कर लेगा। ये देखिए बच्चे इलेटर मैकेनिज्म, ये रहे इसके अंदर इलेटर्स। अभी एक बार स्ट्रक्चर को वापस घूम करके आने दीजिए, मैं आपको इलेटर, ये तो स्पोर है, स्पोर से देख लीजिए गैमेटोफाइट ग्रो करेगा, सीधी सी बात है स्पोर से। ये देखिए बच्चे इलेटर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इलेटर्स हैं, ये रहे इलेटर्स, वही बाहर की तरफ आ जाते हैं, उनके साथ साथ स्पोर चिपके रहते हैं, वही रिलीज होते रहते हैं। तो इलेटर्स स्ट्रक्चर के साथ ही अटैच रहते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर ही आ गए पूरा का पूरा, इतना भी नहीं होता, लेकिन ये ओपन हो जाता है ये पोर्शन। और ये देख लीजिए, समझ में आई बात, कुछ कुछ क्लैरिटी आ गई आपको मर्केंशिया की लाइफ साइकिल के बारे में। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक का है, कल हम बात करेंगे मॉसेस के बारे में, और आपको आज और दोनों कल के सेशन को मिला करके पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जानी है। बच्चों ये हमारा स्केड्यूल चल रहा है यूट्यूब पर, आप जानते हैं थर्सडे टू सैटरडे हमारा क्लास ट्वेल्थ का स्केड्यूल चलता है, वो भी आपके समक्ष है, राइट। आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neatmobile, सारे लेक्चर एट ए प्लेस। बात करते हैं बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की। अब यही चैलेंज की बात है, जैसे आपके बहुत सारे डाउट्स थे, मैंने कोशिश तो करी सारे के सारे डाउट क्लियर करने की, लेकिन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर अगर सेशन होता है, एक एक डाउट क्लियर होता है विथ प्रॉपर डायग्राम, वहां पर मैं पूरा का पूरा आपको समझा सकता हूं। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है बच्चों। हमारे बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप जुड़े और अपनी तैयारी को और उम्दा करें। बात करते हैं कैसे करना है, अनअकैडमी लर्निंग आपको प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, नीट यूजी का, गेट सब्सक्रिप्शन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगी। यहां पर बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से समझें बच्चों, वन मंथ का सब्सक्रिप्शन उन बच्चों के लिए जो 2021 या 2022 के लिए देने जा रहे हैं नीट एग्जाम, बिल्कुल बेकार है। वन मंथ सब्सक्रिप्शन 2020 वालों के लिए है, क्योंकि फाइनल मोमेंट की जो प्रिपरेशन है, और हमारा एक बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है कमिंग वीक से, तो आप उनके साथ क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं नीट 2020 वाले। एंड इसके अलावा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेटर होगा, सबसे बेस्ट होता है 24 मंथ का, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है और कॉस्ट प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 24 मंथ का ले लीजिए, अगले साल ही अगर आप निकल जाते हैं भाई, इससे तो बढ़िया खुशी की बात ही नहीं हो सकती।
अपना सब्सक्रिप्शन जो आपका बचा रहेगा 1 ईयर का, वो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को, अपने भाई बहनों को, तो दे सकते हैं आप, और आप नीट निकल जाएं, इससे बढ़िया तो कुछ बात ही नहीं है। ऑलराइट, और अगर मेरी गाइडेंस में प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपको एक कोई ना कोई एजुकेटर चाहिए जो आपकी हैंड होल्डिंग करेगा, जुड़ते आप सबके बैचेस के साथ हैं, लेकिन जो आपको गाइड करेगा वो बहुत जरूरी है। ये बहुत समझ बूझ कर चूज करना पड़ता है, कि आपको गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसको इस हिसाब से जरूर चूज करिए, कोड यूज करिए प्रदीप लाइव, अगर मेरी गाइडेंस में, मेरी हैंड होल्डिंग में आप अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं मेडिकल कॉलेजेस तक का सफर, तो जुड़िए मेरे बैचेस। इसके साथ साथ आप बाकी सबके बैचेस के साथ भी जुड़ जाएंगे, तो पढ़ेंगे आप सबसे और गाइडेंस आपको मेरी ज्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं सबको ही गाइड करेगा आपको। तो कोड एक फायदे अनेक, जुड़िए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ। अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी फॉर 9th, 10th and 11th, 12th, ऑल आर आवर सिस्टर चैनल, टुगेदर लेट्स क्रैक इट। एंड जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी हिट करिए और #NEETLiveDaily पर जरूर शेयर करिए, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। एंड जॉइन विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यूज कोड प्रदीप लाइव। माई बेस्ट विशेज एंड माई बेस्ट एफर्ट्स विल बी विथ यू, एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। So that's all for this session. See you all tomorrow, 9 a.m. on Menti Quiz. Take care, bachon. Bye-bye.